श्री कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। पिछले महीने यानी कि अप्रैल के महीने में इस यूट्यूब चैनल पे बहुत ही कम वीडियो अपलोड हुए थे। इनफैक्ट दो ही वीडियो अपलोड कर पाया था, और उसके पहले जो वीडियो अपलोड हुए कुछ, जैसे अंगारक दोष का जो वीडियो था, छह ग्रहों की युति वाला जो वीडियो था, उसमें मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी, और उसके पहले भी, तो उसमें से कुछ प्रिडिक्शंस सही हुई है, और उसी के बारे में मैं अपडेट करना आया हूं कि कौन कौन सी प्रिडिक्शन सही हुई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई कमेंट है, कोई थॉट है, तो कमेंट करके हमें बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक एक करके सारी प्रेडिक्शंस बताता हूँ कि कौन कौन सी प्रेडिक्शंस की गई थी और जो सही हुई है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर, पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए, सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्रेडिक्शन की गई थी कि एग्जाम, बच्चों की जो एग्जाम होती है, स्कूल की एग्जाम, वो टल सकती है कोरोना के कारण। और ऐसा भी हो सकते है कि जो संबंधित बोर्ड है, जैसे CBSE या अपने राज्यों से संबंधित जो बोर्ड हैं, एजुकेशन बोर्ड, उनको एग्जाम कैंसिल करनी पड़े या पोस्टपोन करनी पड़े। और मैंने यहां तक भी कहा था कि जनरल प्रमोशन बच्चों को मिल सकता है। तो देखिए, पिछले दिनों CBSE का जो नोटिस आया था सरकार, और MP बोर्ड का, इसके अलावा राजस्थान बोर्ड ने भी ये फैसला लिया है कि बच्चों को जनरल प्रमोशन के आधार पर अगली क्लास में शिफ्ट किया जाएगा। ये एक प्रेडिक्शन थी जो पूरे यूट्यूब पर सिर्फ इसी चैनल पर की गई थी, जो बिल्कुल सही हुई है। केवल जो 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम जो अभी होने वाले हैं, उनको छोड़कर जो बाकी क्लास के एग्जाम हैं, वो रद्द कर दी गई है कोरोना के कारण। इसके अलावा अंगारक दोष जब बना था, तो उसके बारे में भी एक वीडियो अपलोड किया गया था, और उसमें मैंने बोला था, उसमें भी कुछ प्रेडिक्शंस की थी मैंने कि अंगारक दोष बनने जा रहा है, तो 30 मई तक का समय, 30-31 मई तक का समय बहुत ही खतरनाक है। उस वीडियो में मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, और मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि आग या धमाका, केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की घटना या धमाका हो सकता है। और एज इट इज सेम, यही का यही मार्च के आखिरी सप्ताह में शायद ये हुआ, रत्नागिरी में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। ये भविष्यवाणी भी मेरी एज इट इज सही हुई है। मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि केमिकल फैक्ट्री में धमाका होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जो कि हो। इसके अलावा उसी वीडियो में मैंने ये प्रिडिक्शन भी की थी कि कोरोना के केसेस बढ़ने वाले हैं, और जो रिकवरी रेट भारत में 96-97% तक आ गया था, तब जब सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ऑलरेडी नॉर्मल लाइफ शुरू हो चुकी थी, तब मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि रिकवरी रेट फिर से 85% के नीचे जा सकता है, और इसके बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आज रिकवरी रेट भारत का 85% से नीचे जा चुका है। और इसके अलावा हम देख भी रहे हैं कि कई सारी जगह, लगभग बहुत सारी जगह भारत में आग लगने की घटनाएं हो रही है। किसी हॉस्पिटल में आग लग गई, या फिर किसी दुकान में, किसी बिल्डिंग में आग लगने की घटना ये बराबर चल रही हैं, जो कि अंगारक दोष के कारण ही है। इसके अलावा जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसके अलावा मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था कि 2021 कैसा रहेगा भारत के लिए, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, एक प्रेडिक्शन उसमें मैंने की थी वैक्सीनेशन से संबंधित, कि मई जून तक, मैंने जून तक का समय दिया था कि जून तक भारत में एक और या तो नई वैक्सीन इजाद की जा सकती है, या एक और वैक्सीन, उस समय सिर्फ दो ही वैक्सीन थी, और मैंने बोला था कि एक वैक्सीन और आ सकती है। अभी पिछले दिनों भारत ने रूस से स्पुतनिक वैक्सीन के लिए अप्लाई किया था, और भारत में अब उसको मान्यता मिल चुकी है। तो एक ये भी प्रिडिक्शन जो मेरी सही हुई है, भारत ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन को मान्यता दे दी है, और अब जो भारत के जो आम नागरिक हैं, उन सभी को यह वैक्सीन भी लगेगी।
अब आते हैं महाराष्ट्र सरकार के बारे में, जो प्रेडिक्शन की गई थी उसके बारे में। उसके बारे में दो वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूँ, और मैंने ये बोला हुआ है कि 5 मार्च से लेकर के 2 जून तक का समय उनके लिए अच्छा नहीं है। तो फिलहाल अभी 2 महीने, लगभग 1 महीना और है, मई का महीना पूरा, तो अभी समय बचा हुआ है उसके लिए। हालांकि देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अभी फिलहाल पूरा देश कोरोना से लड़ने में लगा हुआ है और महाराष्ट्र में हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। इसलिए आप में से कई लोगों के मैसेज आए थे कि महाराष्ट्र सरकार के बारे में आपने प्रेडिक्शन की थी, उसका क्या हुआ। तो देखिए, 2 जून का तक का समय मैंने दिया है, 2 जून तक हम इंतजार करते हैं। और फिलहाल सभी का ध्यान, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या जो भी हो, नेता, अभिनेता, या हर एक व्यक्ति का ध्यान कोरोना से बचने में है, पहले कोरोना से लड़ने में लगा हुआ है। तो फिलहाल सभी को उस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि 2 जून तक का समय मैंने दिया था, जो 2 जून तक आप वेट कीजिए और फिर आगे हम बात करेंगे उस बारे में। तो ये कुछ प्रिडिक्शंस थी जिसके बारे में मुझे अपडेट देना था, जो कि सही हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम 5 से 10 लोगों तो वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।